ऐसे करके कंडाली को निकाला जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर पहाड़ी निहास ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से, तो 11 बज चुके हैं और आधा काम हो चुका है कंप्लीट। सुबह धूप आ चुकी है घर में और आप देख सकते हैं धूप हमारे घर में पहुँच चुकी है। और अभी का सीन ये है कि बर्तन वगैरह हमने धो लिए हैं, अभी सिर्फ गोबर निकालना है, उसके बाद हम निकलेंगे जंगल के लिए। तो पहले बकरियों को बाहर निकालते हैं क्योंकि धूप आ गई है, तो अब बकरे को भी बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद सारा गोबर का काम करेंगे। तो अभी गाय भी हमने अंदर ही रखी है, उसके अंदर है बकरियाँ, तो अभी मम्मी गाय को निकालेगी बाहर। और आप देख सकते हैं धूप लगभग आ चुकी है। पहले हमारा गौशाला वहाँ पे था और अभी हमने वहाँ से हटा के यहाँ पर कर दिया। यहाँ पे हमारी सारी बकरियाँ रखी है, अभी अंधेरा उठा और देखो चुटकू। हाय चुटकू, चुटकू चुटकू, यहाँ पे मम्मी है, दिखाई नहीं दे रही होगी गाइस आपको, तो चलते हैं बाहर। चल रीना, इसका नाम रीना है। के भाई ओदा, तो इन दोनों के हम रखेंगे वहाँ पे दिन में, जब तक ये रहते हैं छोटे छोटे बच्चे उनको वहाँ पे रखते हैं, ये ऊपर आएगा घास के लिए, तो हम उसको भेजते हैं। चलो ये देखो इन दोनों को। बस जब दो लाइट तेरे क्या बैठे हैं, तब से हम यहाँ पे गायों को नहीं रखते हैं, तो हम ऊपर रखते हैं। और ये देखो यहाँ पे काफी बनेंगे, चले चम चम। ये है नींबू का पेड़ और यहाँ पे हमने राई लगा रखी है, ये देखो यहाँ पे है फूल। और ये है अनार का पेड़, ये सौर ऊर्जा की लाइट है गाइस यहाँ पे। ये हमारा छोटा छुटकू है गाइस, थोड़ा सी छुटकी टाइम मस्ती होती हुई। ये भी आरामी हो गया, ये तो है आरामी, ये तो है आरामी, ये तो है आरामी। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं जंगल के लिए गाइस, तो आज हम जा रहे हैं गधेरे साइड पर। हमारे साथ है जूली, जूली हाय, जूली हाय करो। चली ही अनागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली ही अनागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों मां कहे बहार। गाइस हम आ चुके हैं जंगल, ये है कंडाली और इसकी हम बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी और रखी है, तो जिस चीज़ की सब्जी बनती है वो ये है, जो नए नए कॉम्पले आते हैं उसकी हम सब्जी बनाते हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं, ये देखो इस पर बहुत छोटे छोटे एक कांटे होते हैं और इतने भयंकर लगता है ये। ऐसे करके कंडाली को निकाला जाता है।
तो इसको निकालेंगे हम। तो निकाला मुझे देना हमने ना। तो गाइस इस तरह से निकाला जाता है कंडाली को और तब इसकी भुज्जी बनती है। ये देखो तो ये नए नए पत्ते आते हैं उनको निकालने पता नहीं। ये सड़ा ये पे ये देखो यहाँ पे भी है। तो इसको देंगे हम ताजे लोगों को वो बना लेंगे। और ये देखो तो इस तरह से निकाली जाती है कंडली। इसके बाद डंडे से निकाला जाता है। और ये देखो आप प्यारी प्यारी कंडली है हमारी। गाइस इसके जो ये कांटे हैं ना ये इतने भयंकर लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये वाले कांटे जो ये देखो कितने सारे कांटे इस पे। और पहाड़ी लोग इसी की सब्जी बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है पहाड़ों में। इसको ठंड के टाइम पे ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है भिट्ठी लगा रही है अपनी। निकलो हाँ निकलो। ये जपान का बैया यार। यहाँ पे कंडाली की खोज पे लगी हुई थी। गाइस उनके ऊपर कीड़े जो होते हैं। हाँ ये कमन भैया थोड़ा बहुत हो गया थोड़ा निकालेंगे। यहाँ पे देखो गाइस कितनी झाड़ी हो रखी है। तो निकाल लिया है चलते हैं अब। तो गैस हो चुके हैं शाम के 5 और अभी हम आ रखे हैं जंगल। तो इसके बाद मम्मी ऊपर देखो पेड़ में पेड़ काटती है गाइस। तो गाइस अंधेरा हो चुका है देखो कितना अंधेरा हो रहा है। मतलब यहाँ पे लाइट ना हो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको आसपास। देखो दिख रहा है आपको गाइस। तो इतना अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। और अभी इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है बाघ के घुरने की बहुत ही ज़्यादा। और इधर ही है वो गधेरे साइड पे। यहाँ पे जूली थी मेरे साथ। मैं आपको जूली भी दिखाती हूँ। जूली मेरे साथ है यहाँ पे। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है ना गाइस बाहर बाघ की बहुत। तो गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के बाय गाइस।